हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एम आई डी आई इन मल्टीमीडिया। एम आई डी आई का क्या मीनिंग होता है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, एम आई डी आई फाइल क्या होता है और एम आई डी आई एंड डिजिटल ऑडियो में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, इन सभी टॉपिक्स को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एम आई डी आई के बारे में। तो एम आई डी आई का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यानी एक तरह का इंटरफेस है, आप एक तरह का डिजिटल स्टैंडर्ड या टेक्निकल स्टैंडर्ड कह सकते हैं, जिसका यूज करके डिजिटल ऑडियो को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गिटार है, तो गिटार से एक प्री डिफाइंड साउंड निकलता है, उस साउंड को जो है ना आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर पियानो है उससे जो निकलते हैं साउंड उसको जो है ना यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें एम आई डी हार्डवेयर का यूज हम लोग करते हैं, जैसे सिंथेसाइजर है, सैम्पलर है, इन सभी हार्डवेयर का यूज करके एक प्री डिफाइंड साउंड को जो है ना रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एम आई डी आई स्टैंडर्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पिक्चर में, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर में जो भी ऑडियो सिग्नल रिकॉर्ड होता है वो डिजिटल होता है। और उसके बाद यहाँ पे है सिंथेसाइजर है, यहाँ पे मिक्सर है और यहाँ पे एम आई डी आई इंटरफेस है। तो यही एम आई डी आई इंटरफेस यानी कि एक स्टैंडर्ड है जिसका यूज करके एक प्री डिफाइंड साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है। सिंथेसाइजर जो है ना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करके किसी भी ऑडियो सिग्नल को जनरेट किया जाता है। उसके बाद एक सैम्पलर भी होता है, सैम्पलर का यूज करके किसी भी ऑडियो साउंड को रिकॉर्ड एंड उसको प्लेबैक किया जाता है। तो ऑडियो सिग्नल जनरेट करने के लिए यहाँ पे सिंथेसाइजर का यूज किया जाता है, यहाँ पे एम आई ए डी आई में, जिसको एम आई डी आई हार्डवेयर भी कहा जाता है। कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि एम आई डी आई का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, या एक टेक्निकल स्टैंडर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से मतलब कम्युनिकेशन के रूल्स को जो है ना ये डिस्क्राइब करता है, जैसे डिजिटल इंटरफेस, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स एंड कनेक्ट्स वेरियस इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर एंड रिलेटेड ऑडियो डिवाइस फॉर प्लेइंग एडिटिंग एंड रिकॉर्डिंग म्यूजिक। मतलब ये कहा जा रहा है कि म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, उसको प्ले करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है उसको डिस्क्राइब करता है कौन, एम आई डी आई। एम आई डी आई कोई डिवाइस नहीं है, यह एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि जब आप किसी म्यूजिक को रिकॉर्ड करते हैं, प्ले करते हैं, एडिट करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स होना चाहिए उसको डिफाइन और डिस्क्राइब करने का काम करता है। इट्स ए वे टू कनेक्ट डिवाइसेस दैट मेक ए कंट्रोल साउंड, यानी कि यह एक तरीका है जिसके थ्रू आप कनेक्ट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं साउंड को। जैसे सिंथेसाइजर है, तो सिंथेसाइजर क्या होता है, एक डिजिटल यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करके डिजिटल ऑडियो साउंड को जनरेट किया जाता है। सैम्पलर भी एक एम आई डी आई हार्डवेयर है जिसका यूज करके किसी भी साउंड को यानी कि म्यूजिकल साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है और उसको प्ले किया जाता है, यानी कि एक पोर्शन को, साउंड का एक पोर्शन को रिकॉर्ड करके आप उसको प्ले करके देख सकते हैं। कंप्यूटर है, तो ये भी क्या है, आपका एम आई डी आई हार्डवेयर है, क्योंकि इसमें जो है ना आप डिजिटल ऑडियो को स्टोर करते हैं, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग एम आई डी आई मैसेज। यहाँ जो एम आई डी आई हार्डवेयर हैं, जैसे सिंथेसाइजर हैं, सैम्पलर हैं, कंप्यूटर्स हैं, इन सभी को कनेक्ट करने का जो एक तरीका होता है वही होता है क्या, एम आई डी आई। और ये एक तरह का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू आप ऑडियो सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इट इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू क्रिएट द साउंड बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड साउंड, यानी कि यह एक तरह का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है एम आई डी आई कि आप किस तरह से किसी प्री डिफाइंड साउंड के बेसिस पे आप एक न्यू साउंड को क्रिएट कर सकते हैं। एम आई डी आई रिकॉर्डिंग नेवर कंटेन्स ह्यूमन वॉइस, यानी कि ये ह्यूमन वॉइस को कंटेन नहीं रखता है अपने पास। एम आई डी आई डज नॉट ट्रांसमिट रिकॉर्डेड साउंड, यानी कि एम आई डी आई जो है ना वो रिकॉर्डेड साउंड को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है।
एमआईडीआई वाज फर्स्ट इंक्लूड अनाउंस्ड इन 1982, पहली बार जो है ना इसको 1982 में अनाउंस किया गया था, एंड बाय दिसंबर इट एक्चुअली अपीयर्ड इन एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि और ये जो है ना दिसंबर में जो है ना 1982 में जो है ना ये इस इंस्ट्रूमेंट में आना शुरू हो गया। इट इज़ यूज इन इंस्ट्रूमेंट दैट हैव साउंड कार्ड्स सिंथेसाइजर्स एंड साउंड जनरेटर जनरेटर दैट कंट्रोल म्यूजिक, यानी कि ये वैसे इंस्ट्रूमेंट में होते हैं जहाँ पर साउंड कार्ड होता है, सिंथेसाइजर होता है और साउंड जनरेटर होता है जिसके थ्रू म्यूजिक को कंट्रोल किया जा सके। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MIDI फाइल इज .MIDI और .MID, जैसे हम लोग MP3 फाइल को देखते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है .MP3 होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई भी फाइल अगर MIDI के रूप में है तो उसका एक्सटेंशन होगा या तो .MID होगा यानी तो .MIDI होगा। अब ये हो गया डिफिनेशन MIDI के बारे में। अब इस डिफिनेशन को अगर हम लोग समराइज करके बात करेंगे सिंपल में कहना, तो सिंपल में कहेंगे कि MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। सेकेंड पॉइंट हम कहेंगे कि यह एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है जो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब करता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट MIDI हार्डवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, म्यूजिक को एडिट कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। ये एक तरीका है जिसमें वेरियस जो है ना डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं और साउंड को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से डिवाइस होते हैं, तो यहाँ पे सिंथेसाइजर हैं, सैम्पलर हैं और कंप्यूटर्स हैं, ये सब आपस में कनेक्ट करके और साउंड को कंट्रोल करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और एडिट करते हैं, उसको प्ले करते हैं, जिसके बाद जो है ना MIDI मैसेज के थ्रू जो है ना आपस में वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। यह एक डिस्क्रिप्शन है जहाँ पर आप प्री डिफाइंड साउंड को के बेसिस पे आप कोई नया साउंड को क्रिएट कर सकते हैं। यह ह्यूमन वॉइस नहीं रखता है, यह रिकॉर्डेड साउंड को ट्रांसमिट नहीं करता है। ये पहली बार 1982 में इसको अनाउंस किया गया था और 1982 दिसंबर में जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ ही आना शुरू हो गया। और इसके साथ जो है ना जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं साउंड कार्ड, सिंथेसाइजर, साउंड जनरेटर, जो कि म्यूजिक को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और कोई फाइल अगर है .MIDI और .MIDI के साथ, इसका मतलब वो क्या है, MIDI फाइल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन MIDI एंड डिजिटल ऑडियो, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है उसको हम लोग समझते हैं। तो MIDI फाइल इज ए सॉफ्टवेयर, MIDI जो फाइल बनता है एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है फॉर रिप्रेजेंटिंग म्यूजिकल इंफॉर्मेशन इन ए डिजिटल फॉर्मेट, जो कि म्यूजिकल इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जबकि ये डिजिटल ऑडियो रेफर्स टू द रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट। तो यहाँ पे डिजिटल ऑडियो क्या है, रिप्रोडक्शन है साउंड के ट्रांसमिशन का जो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि MIDI रिकॉर्डिंग नेवर कंटेंस ह्यूमन वॉइस, यानी कि MIDI जो फाइल होता है उसमें ह्यूमन वॉइस नहीं हो सकता है, जबकि ऑडियो जो डिजिटल ऑडियो होता है उसमें ह्यूमन वॉइस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट कंटेन ए रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड, यानी कि जो रिकॉर्डिंग का जो साउंड होता है वो इसके पास जो है ना MIDI फाइल में नहीं होता है, जबकि कंटेंस ए रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड यानी कि जो साउंड का रिकॉर्डिंग होता है वो इसके डिजिटल ऑडियो में होता है। एंड लास्ट पॉइंट है नो एक्चुअल साउंड स्टोर्ड इन MIDI फाइल, MIDI फाइल में जो है ना एक्चुअल साउंड स्टोर्ड नहीं होता है, जबकि एक्चुअल साउंड स्टोर्ड होता है डिजिटल ऑडियो फाइल में। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अगर इसको समराइज करके आप देखेंगे तो सिंपल में कह सकते हैं कि यह एक तरह का, यानी कि MIDI जो फाइल है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करने का काम करता है, जबकि डिजिटल ऑडियो जो होता है ना वो यानी कि साउंड का ट्रांसमिशन यानी कि रिप्रोडक्शन होता है जो डिजिटल फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड होता है। MIDI फाइल ह्यूमन वॉइस को नहीं रखता है, जबकि डिजिटल ऑडियो ह्यूमन वॉइस को रिकॉर्ड करता है। डू नॉट कंटेन ए रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड, यानी कि साउंड को रिकॉर्ड नहीं करता है ये, जबकि साउंड को रिकॉर्ड करता है डिजिटल ऑडियो। और यहाँ पे क्या रहा कीजिए, कोई भी MIDI फाइल है जो एक्चुअल साउंड को नहीं वो रखता है, जबकि डिजिटल ऑडियो फाइल होता है ना वो एक्चुअल साउंड को अपने पास रखता है।